अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ प्रिसेंट 8 के अंदर। एक बहुत ही खूबसूरत विला 250 स्क्वायर यार्ड्स के अंदर कंस्ट्रक्टेड है। इसकी लोकेशन की बात करें तो ये बिल्कुल पेरिया हाइट्स के नज़दीक, आप देख सकते हैं पेरिया हाइट्स के नज़दीक, और रोड की लोकेशन है इसकी 80 फुट वाइड रोड है ये, आप देख सकते हैं। इसके सामने आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, आसपास यहाँ पर फैमिलीज रह रही हैं। इस विला के बिल्कुल फ्रंट पर आपको फैमिली जो है यहाँ पर रेजिडेंट यहाँ पर मौजूद है। ये विला आप देख सकते हैं, इसका आउटर एलिवेशन आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका आउटर एलिवेशन है, और ये इसकी रोड है। आज इसका कंप्लीट इनसाइड टूर करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि अभी इसका जो आउटर लॉन उसका मैं आपको थोड़ा व्यू दिखाऊं। तो आप देख सकते हैं इसको अच्छे साइज़ में यहाँ पे आपको एक मेंटेन कर सकते हैं। आप यहाँ पे फ्रंट रैंप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप एक कार पार्क अपनी कर सकते हैं। उसके बाद हम जो इसका मेन गेट है यहाँ से एंट्रेंस करते हैं, तो ये आपका डोर गैरेज है। गैरेज में आप देख सकते हैं कि आपको स्पेस दी गई है, एक गाड़ी यहाँ पर आप पार्क कर सकते हैं। साइड से आपको कॉरिडोर दिया गया, ये भी आपको जो ऑलमोस्ट 7 फीट वाइडेड है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपने एक आपको वॉशिंग एरिया दिया गया, ये आपका मेन रिसेप्शन डोर है। उससे पहले मैं आपको साइड पर लेके जाऊंगा, जो इसको वॉशिंग एरिया की तरफ एरिया लीड करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये इसका एक कॉरिडोर है जो इसको बैक साइड पर लेके जाता है आपके वॉशिंग एरिया की साइड। इधर आप देख सकते हैं वॉल वर्क किया गया, लाइटिंग यहाँ पर की गई है, साथ में पोर्ट्स रखे गए हैं। ये आपको एक सेपरेट एंट्रेंस दी गई है आपके किचन के लिए, यहाँ से आप अपना जो किचन है यहाँ से भी यहाँ से एंट्रेंस कर सकते हैं। यह आपकी बैक साइड पर वॉशिंग एरिया आ गया, तो इसका आप साइज़ देख सकते हैं। इस विला की खास बात एक तो ये है कि इसकी बैक साइड पर कोई विला कंस्ट्रक्ट नहीं होगा, पीछे ग्रीन बेल्ट है, यहाँ पर कोई भी विला कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। विला के अंदर एंट्रेंस करते हैं और आपको पूरा विला जो है उसका टूर कराते हैं। टोटल इसके अंदर 5 बेडरूम्स हैं, 5 बेडरूम्स की एकोमोडेशन है, साथ में इसके पाउडर रूम है, अटैच वॉशरूम्स हैं, और सब कुछ आपको दिखाते हैं। अभी हम रिसेप्शन डोर पर आ चुके हैं, ये तो इसकी आप हाइट देख सकते हैं। सबसे पहले मेन रिसेप्शन डोर की हाइट इसकी ऑलमोस्ट 10 फीट वाइडेड ये भी आपको मिल रहा है। डोर हैंडल्स आप देख सकते हैं, एक अच्छी आपको लुक जो है वो एंट्रेंस पर ही मिल जाती है। मेन लॉबी एरिया में हम आ चुके हैं, ऊपर आप देखें तो सीलिंग वर्क बहुत खूबसूरत शानदार यहाँ पर काम किया गया। इस साइड पर आपको मैप डिज़ाइन में थोड़ा समझाऊं, तो यहाँ से आप एंटर होंगे लॉबी एरिया से, आपको राइट साइड पर आपको स्टेयर्स मिलेंगी जो कि आपको फर्स्ट फ्लोर पर लेके जाएंगी। ये आपका पाउडर रूम है, पाउडर रूम की लुक मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले हम चलेंगे इसके ड्राइंग रूम एरिया के अंदर। ड्राइंग रूम एरिया में आप देख सकते हैं कि बाहर आपको एंट्रेंस दी गई है एक ग्लास डोर के साथ, उसके साथ बहुत ही खूबसूरत काम किया गया। ये है इसका फाउंटेन, फाउंटेन की आप लोग देख सकते हैं कि ये बहुत ही आपको यहाँ पर जो आपकी अट्रैक्शन पॉइंट तो ये है मेन। ऊपर से आप देख सकते हैं टिल दी एंड रूफ तक ये ओपन है, वेंटिलेशन के लिए एक अच्छा काम यहाँ पर आपको दे सकता है ये। ड्राइंग रूम के अंदर एंटर हो चुके हैं, तो ड्राइंग रूम की आप लोग देखें कि आपको एक डार्क ब्राउन कलर यहाँ पर आपको ज़्यादा यूज़ किया गया। नीचे आप वुडन फ्लोरिंग देख सकते हैं। ऊपर यहाँ पर बात करें तो खूबसूरत शैंडलियर यहाँ पर इंस्टॉल किया गया, ये आप देख सकते हैं। ड्राइंग रूम के अंदर ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शेल्फ्स बनाकर दी गई हैं जिसके अंदर लाइटनिंग की गई है। साथ में टोटल साइज़ की बात करें तो यहाँ पर आपको एक अच्छा ड्राइंग रूम का साइज़ मिल रहा है। आपके फर्स्ट फ्लोर की एंट्रेंस है, और यहाँ से आपको आपका मेन एरिया जो है टीवी लाउंज की तरफ हम चलेंगे। अभी उससे पहले आप फाउंटेन की एक बार दोबारा देख सकते हैं कि अभी वर्क कर रहे हैं, आप देख सकते हैं जी। तो टीवी लाउंज की तरफ जाते हैं, तो यहाँ से भी आपको जो एंट्रेंस मिलेगी वो ग्लास डोर के साथ आपको यहाँ से सेपरेट करके दिया गया। ये आप टोटल एरिया देख सकते हैं। टीवी लाउंज की तरफ हम आ चुके हैं, टीवी लाउंज की बात करें तो नीचे टाइल वर्क आप देख सकते हैं, बहुत ही यूनिक टाइल वर्क है। साथ में मीडिया वॉल का डिज़ाइन आप एक बार इसको देख लें, अच्छी स्पेस ओवरऑल यहाँ पर आप इसको अच्छी चीज़ें यहाँ पर लगाई गई हैं। ऊपर आप इसकी सीलिंग डिज़ाइन की बात करें तो सीलिंग वर्क बहुत ही खूबसूरत ब्राउन और वाइट कलर के अंदर इसका डिज़ाइन किया गया। शैंडलियर आप देख सकते हैं, यहाँ से एक विंडो है जो कि आपको मैंने वॉशिंग एरिया की तरफ जो कॉरिडोर जा रहा था वहाँ से मैंने आपको दिखाया था बाहर। वॉल लुक भी आप यहाँ से देख सकते हैं। टोटल टीवी लाउंज का मैं आपको साइज़ एक बार दिखा देता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी सीटिंग अच्छे साइज़ में हो सकती है। सामने आपकी मीडिया वॉल है, यहाँ पर आपको LED पॉइंट्स भी दिए गए हैं। ग्राउंड फ्लोर पर 2 बेडरूम्स हैं। बेडरूम्स को टूर कराने से पहले मैं आपको इसका किचन दिखाता हूँ। किचन की तरफ हम आ चुके हैं, तो किचन की तरफ भी यहाँ पर आपको ग्लास डोर का यूज़ किया गया। ग्लास यहाँ से भी आपको ग्लास डोर की एंट्रेंस मिलेगी, मैं आपको एक बार क्लोज करके दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ग्लास डोर के साथ आपको एंट्रेंस मिलेगी आपके किचन के लिए। किचन की 2 एंट्रेंस है, एक आपको टीवी लाउंज से मिल रही है और एक आपको बैक साइड से मिल रही है। किचन के अंदर आ चुके हैं, तो यहाँ पर आप इसका कलर स्कीम्स देख सकते हैं। सबसे पहले तो नीचे आप देखें नंबर ऑफ कैबिनेट्स, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ये तो कैबिनेट्स मिल रही हैं। इस साइड पर आपको अप्लाइंसिस के लिए जगह दी गई है, ये आपके रेफ्रिजरेटर के लिए जगह है। यहाँ पर आपका डिश वॉशिंग एरिया डिज़ाइन किया गया, पीछे विंडोज़ भी हैं ताकि आपको कोई इशू ना हो एयर फ्लो का। ये आप देख सकते हैं आपका स्टोव इंस्टॉल्ड है, और ऊपर जो एक आपका एग्जॉस्ट फैन है वो भी इंस्टॉल्ड आपको मिल रहा है।
कैबिनेट्स की थोड़ी सी आपको लुक दिखाऊं, तो ये आप देख सकते हैं ड्रॉर्स आपको मिल रही हैं, और इसके साथ यहाँ पर आपको कैबिनेट्स जो है वो हाइड्रोलिक कैबिनेट्स मिल रही हैं। ये आपकी एंट्रेंस है जो मैंने आपको बैक साइड से दिखाई थी। किचन का टूर आपको करवाया, उसके बाद हम चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम के अंदर। तो इसका ग्राउंड फ्लोर का बहुत ही बड़ा साइज का मास्टर बेडरूम आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पर हम लोग वॉल डिज़ाइन देखें सबसे पहले, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टू साइड पर आपको ये वुड वर्क करके दिया गया, जो कि यहाँ पर इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहा है। ऊपर देखें तो सीलिंग डिज़ाइन बहुत ही सिंपल, यहाँ पर आपको ज़्यादा काम नहीं किया गया, सिंपल क्लासी बस डिज़ाइन रखा गया यहाँ पर। टाइल वर्क सेम है पूरे घर के अंदर, आप नीचे देख सकते हैं। इसके जो वार्डरोब्स हैं वो यहाँ पर आपको वॉशरूम के अंदर नहीं, आउटसाइड द वॉशरूम आप देख सकते हैं यहाँ पर मिल रही हैं। काफ़ी लोगों का एतराज़ होता है कि वॉशरूम के अंदर कैबिनेट्स नहीं होनी चाहिए, तो इसी तरह यहाँ पर वॉशरूम के बाहर ही कैबिनेट्स रखी गई हैं। वॉशरूम के अंदर एंट्रेंस कर रहे हैं, तो वॉशरूम का डोर भी आप चेक कर सकते हैं। लकड़ी का काम बहुत ही अच्छा किया गया, टोटल जो इसके अंदर वुड यूज़ की गई है वो शीशम की लकड़ी है, शीशम की वुड यहाँ पर टोटल यूज़ की गई है। साथ में आप वैनिटी का वर्क देख सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट के अंदर इसका जो डिज़ाइन है वो रखा गया। सामने एक मिरर इंस्टॉल्ड है, उसके साथ आप ये लाइट भी चेक कर सकते हैं। कमोड की बात करें तो वॉल हैंगिंग कमोड आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल रही है, साथ में एक शॉवर इंस्टॉल्ड है। ये आप अपना शॉवर एरिया जो है वो देख सकते हैं, इसको सेपरेट किया गया। ये ग्लास आप देख सकते हैं, ताकि जो आपका पानी है वो यहाँ पर इधर फ्लो करके ना आए। फर्स्ट फ्लोर फर्स्ट बेडरूम जो है मैंने आपको दिखाया, अब हम इसके सेकंड बेडरूम की तरफ चलते हैं। टीवी लाउंज के बिल्कुल साथ ही आपको आपका सेकंड बेडरूम मिल रहा है, जिसके अंदर व्यू आपको मिलेगा वो होगा आपके फाउंटेन का, वाटर फाउंटेन। आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं, और यहाँ से विंडो भी आप ओपन कर सकते हैं। मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, इसे आप देख सकते हैं कि वाटर फाउंटेन से आपको एक तो वैनिटी जो टोटल सिस्टम है वेंटिलेशन के लिए आपको आसानी होगी। बहुत खूबसूरत काम यहाँ पर किया गया। ये इसका टोटल साइज़ है बेडरूम का, बेडरूम नंबर सेकंड है ये। यहाँ पर भी आपको जो वार्डरोब्स हैं वो आउटसाइड द वॉशरूम ही मिल रही हैं। पानी की आवाज़ आप चेक कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन एक तो यहाँ पर आपको मिल जाती है। इसके वॉशरूम के अंदर एंट्रेंस करते हैं, तो वॉशरूम के अंदर आते साथ ही आपको जो पहली लुक मिलेगी वो आपकी वैनिटी की होगी। वैनिटी लुक आप चेक कर सकते हैं कि वाइट के अंदर टोटल रुक रखी गई है इसकी। यहाँ पे भी एक मिरर इंस्टॉल्ड है, जिसके साथ लाइट आपको मिल रही है। यहाँ आप चेक कर सकते हैं वार्म लाइट जो है यहाँ पर इंस्टॉल की गई है। टोटल टाइल वर्क आप एक बार देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर एम्बियंस आपको मिल रही है। वॉल हैंगिंग मोड है वो भी यहाँ पर इंस्टॉल्ड है, साथ में एक शॉवर जो है वो भी आपको ऑप्शन मिल रही है। सेकेंड बेडरूम से हम लोग एग्जिट करते हैं, ग्राउंड फ्लोर का टूर जो है वो कंप्लीट होता जाता है। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो ये जैसे मैंने आपको दिखाया था कि लॉबी से ही आपको फर्स्ट फ्लोर की एंट्रेंस मिल रही है, वैसे मैंने आपको पाउडर रूम का लुक भी एक बार दिखा दूँ। पाउडर रूम आप देखें तो एक छोटे साइज की वैनिटी है यहाँ पर इंस्टॉल की गई है, साथ में आपको एक कमोड मिल रहा है जी। तो अब हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं। स्टेयर्स पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको लाइटनिंग मिल रही है, ऑप्शन यहाँ पर आपको इंस्टॉल करके दी गई है। साथ में जो आपका ये स्टैंड है आप देख सकते हैं कि ग्लास के साथ इसका काम किया गया। अब हम आ चुके हैं ऊपर, और ये आप विंडो देख सकते हैं जहाँ से मैंने आपको नीचे फाउंटेन दिखाया था, यहाँ से भी आपको तमाम एक बहुत खूबसूरत लुक एक तो मिल रही है। अंदर काम बहुत अच्छा किया गया। ये है इसका फर्स्ट बेडरूम जो कि फर्स्ट फ्लोर पर है, टोटल थर्ड बेडरूम है ये। इसकी आप वार्डरोब देखें सबसे पहले, यहाँ से भी आपको विंडो ओपन कर सकते हैं आप अपने जो आपको वेंटिलेशन का मैंने टोटल इसका एक तो सेटअप दिखाया था, ये आप देख सकते हैं नीचे से भी। ये ऊपर तक आपको एक तो लाइट भी मिलेगी और साथ में आपको फ्रेश एयर भी मिलेगी। बेडरूम का साइज़ आपको दिखाऊं तो बेडरूम का साइज़ आप देख सकते हैं कि एक अच्छा साइज़ आपको मिल रहा है। उसके साथ आपको जो व्यू मिलेगा वो बाहर आउटसाइड आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत एक तो एनवायरनमेंट है यहाँ पर बैरियरूम कराची के अंदर, जैसे आप जानते हैं। वॉशरूम के अंदर एंट्रेंस करते हैं, तो वॉशरूम आप देख सकते हैं इसका वैनिटी डिज़ाइन चेक करें कि बहुत यूनिक, आपको ऐसा बहुत कम देखने को मिलते हैं इस तरह के वैनिटी डिज़ाइंस। सामने आपको एक मिरर इंस्टॉल मिल रहा है, ये आपकी ऑप्शन है जो वॉल हैंगिंग मोड की, और साथ में आपका शॉवर एरिया भी। एग्जॉस्ट फैन इंस्टॉल्ड है, और साथ में जो उसकी विंडो ओपन हो रही है वो वेंटिलेशन सिस्टम के साथ ही यहाँ पर ओपन आपको करके दी गई है। मेन एरिया के अंदर हम आ चुके हैं, आपके लाउंज एरिया में हम मौजूद हैं। लाउंज एरिया की बात करें तो ये आप इसका साइज़ सबसे पहले देख सकते हैं, और यहाँ से जो आपको लुक मिलेगी वो है आपके डेस्क ऑन टावर्स। अभी आप आउटसाइड ये देख सकते हैं, ग्रैंड जामे मस्जिद का व्यू भी आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये आप देख सकते हैं ग्रैंड जामे मस्जिद, और इस साइड पर डेस्क ऑन टावर्स का व्यू भी आपको मिल रहा है।
ये आपका टीवी लाउंज का एरिया, उसके साथ मीडिया वॉल का डिज़ाइन आप चेक करें कि कितना खूबसूरत मीडिया वॉल डिज़ाइन है। डार्क कलर्स के साथ इसका कॉम्बिनेशन बनाया गया, ये आप देख सकते हैं मीडिया वॉल बहुत खूबसूरत है, और साथ में शैंडलियर जो है उसकी भी आप एक बार लुक देख सकते हैं। वॉल लाइट्स आप देख सकते हैं। टीवी लाउंज के बिल्कुल सामने ही आपको मिल रहा है किचन, यहाँ पर आप एक स्टैंडर्ड साइज़ किचन आपको मिल रहा है। यहाँ पर भी आपको रेफ्रिजरेटर का एरिया दिया गया, यहाँ पर अपनी फ्रिज इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ में स्टोव जो है वो मौजूद है, एग्जॉस्ट फैन मौजूद है, साथ में डिश वॉशिंग एरिया भी यहाँ पर आपको मिल रहा है, कैबिनेट्स यहाँ पर भी आपको मिल रही हैं जी। अब ऊपर दो बेडरूम्स रह गए हैं, सबसे पहले मैं आपको इसका मास्टर बेडरूम, ह्यूज साइज़ मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ। ये 250 स्क्वायर यार्ड्स का मास्टर बेडरूम है नाजरीन, आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा साइज़ आपको मिल रहा है, साथ में मीडिया वॉल आपको मिल रही है, आपकी क्लोजेट्स मिल रही हैं, यहाँ पर आप स्टडी एरिया बना सकते हैं, स्टडी रूम बना सकते हैं, सिटिंग एरिया यहाँ पर आप बना सकते हैं अपना, देख सकते हैं। टू साइडेड कैबिनेट्स हैं, वार्डरोब्स हैं, सबसे पहली बात आपको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। इसके बिल्कुल सामने भी आपको जो है वार्डरोब्स मिल रही हैं, साथ में एक मिरर इंस्टॉल्ड है, ये इसकी वार्डरोब्स हैं। टोटल वुडवर्क का आप सबसे पहले डिज़ाइन चेक कर सकते हैं कि कितना ही यहाँ पर एक एलिगेंट डिज़ाइन यहाँ पर चूज़ किए गए हैं, ये आप वुडवर्क के टोटल देख सकते हैं। मीडिया वॉल की तरफ आते हैं तो मीडिया वॉल का आप कलर चेक करेंगे, ग्रेज कलर में यहाँ पर आपको कलर मिल रहे हैं, साथ में नीचे जो ड्रॉर्स हैं वो भी यहाँ पर आपको बना कर दी गई हैं। टोटल साइज़ मैं आपको एक दोबारा दिखाता हूँ जी, तो ये आप इसका टोटल साइज़ एक देख सकते हैं अपने मास्टर बेडरूम का। सीलिंग डिज़ाइन जो है यहाँ पर सिंपल क्लासी वाइट कलर्स में ही रखी गई है, ज़्यादा इसके ऊपर ओवर काम नहीं किया गया जी। तो मास्टर बेडरूम के मास्टर हम लोग वॉशरूम में आ चुके हैं, ये आप इसकी जगूजी चेक करें सबसे पहले कि कितना बड़ा साइज़ यहाँ पर आपको जगूजी का मिल रहा है, और साथ में आपका वॉल हैंगिंग कमोड भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। ये इसका मैनिटी डिज़ाइन आप देखें, इसके ऊपर आप टेक्सचर चेक कर सकते हैं, डबल्स ऑप्शन आपको मिल रही हैं वैनिटी के अंदर, साथ में मिरर इंस्टॉल्ड है, और ऊपर जो है फैंसी लाइट्स भी आपको मिल रही है, बॉम लाइट्स यहाँ पर आपको लुक मिलेगी जी। तो ये था इसका मास्टर बेडरूम जो कि एक बहुत ही अच्छी यहाँ पर इसकी आई कैचिंग पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं अट्रैक्टिव पॉइंट ये है इसका। और एक आपको इसका लास्ट बेडरूम दिखा रहा हूँ, फिफ्थ बेडरूम आप देख सकते हैं, नीचे टाइल वर्क आप देखें, टोटल सेम टाइल वर्क यहाँ पर किया गया। टीवी लाउंज के बिल्कुल फ्रंट पर आपको फिफ्थ बेडरूम मिल रहा है, यहाँ से भी विंडो से आप व्यू ले सकते हैं अपने ग्रैंड जामा मस्जिद का, और यहाँ से आपको एक्सेस मिलेगी आपके रूफ टॉप के लिए जी। तो ये एरिया है जो आपको रूफ टॉप पर लेके जाएगा आपके, इसके रूफ पर आपको मार्बल लगा कर दिया गया, टोटल आपको वाटर प्रूफिंग करके दी गई है, तो किसी तरह की अच्छी कंस्ट्रक्शन है इसलिए आपको इशू नहीं आएगा इसके अंदर जी। तो ये इसका वॉल हैंगिंग कमोड है, और साथ में शॉवर एरिया भी आपको मिल रहा है, ये इसकी वैनिटी है, वैनिटी डिज़ाइन आप देखें। वार्डरोब इसकी जो है लास्ट बेडरूम की, इसकी वॉशरूम के अंदर ही आपको बनाकर दी गई है इसका साइज़ मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, ये इसका साइज़ था फिफ्थ बेडरूम का, अच्छा साइज़ है, तमाम बेडरूम्स का साइज़ जो है वो यहाँ पर अच्छा दिया गया, अच्छी फिनिशिंग के साथ, अच्छी कंस्ट्रक्शन के साथ ये विला आपको मिल रहा है। डिमांड जो है इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी हम इसके मौजूद हैं टेरेस एरिया पर, टेरेस पे आप देख सकते हैं कि ये भी आपको एक अच्छी स्पेस, यहाँ पर आप सिटिंग कर सकते हैं, और साथ में एयर जो है एनवायरनमेंट इंजॉय कर सकते हैं अपना। यहाँ से बाहर आप देखेंगे तो सामने आपको ग्रैंड जामा मस्जिद का व्यू मिलेगा, बैक साइड पर आपको बैरी हाइट्स मिलेंगी, और टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तो घर ही घर यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं प्रेजेंट एट के अंदर। बैक साइड पर भी आप देखें तो प्रेजेंट एट है, आपके फ्रंट पर भी सारा प्रेजेंट एट आपको देखने को मिल रहा है। बैरियडोंग कराची के वाले से किसी भी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आप बैरियडोंग कराची के अंदर कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, आप इस तरह का ही विला कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं 125 स्क्वायर यार्ड्स में, 250 स्क्वायर यार्ड्स में, या 500 स्क्वायर यार्ड्स में, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं, या सिर्फ फूड प्रॉपर्टी एक्सचेंज बैरियडोंग कराची से। अगर आपको इस तरह की और वीडियोज चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसी के साथ या सिर्फ फूड को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।